हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है वो हमारे ऐसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर है जो बिल्कुल कम धूप में, लो लाइट में काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो प्लांट है आप देख रहे हैं हमारे सामने, कैलेंकोई। तो कैलेंचोस फ्रेंड्स ऐसे हमारे फ्लावर प्लांट हैं जो बिल्कुल लो लाइट में भी आराम से चल जाते हैं और बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। तो बिल्कुल जो हमारे बेल्कनी और में अपनी गार्डनिंग करते हैं या फिर छोटे से फ्लैट या अपार्टमेंट में रह रहे हैं जिनके पास स्पेस नहीं है, ये उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो है। और बिल्कुल आप इन सारे प्लांट्स को अपनी बेल्कनी में और खिड़की के पास, अगर आपके पास बेल्कनी भी नहीं है और खिड़की के पास आप कि धूप आती है, हल्की फुल्की सी ब्राइट लाइट भी आती है, तो ये सारे प्लांट्स फ्लावरिंग के बिल्कुल आपके चल जाएंगे और बहुत ही खूबसूरती ऐड करेंगे आपके घर में। तो फर्स्ट जो हमारा फ्लावर प्लांट है वो कैलेंचो है। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है और बहुत सारे कलर्स में आता है। देखिए, हमारा येलो, पिंक, ऑरेंज, रेड एंड डार्क येलो, इस तरीके से बहुत सारे कलर वाइब्रेट कलर में आता है, शेडेड में आता है, सिंगल पेटल और डबल पेटल कई सारे में आता है। तो इसको आप अपने गार्डन में जगह दीजिए, अपने बालकनी में जगह दीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लो लाइट में भी काफ़ी खूबसूरती से चल जाता है। और सेकेंड जो मैं प्लांट आपको बता रही हूँ वो है हमारा साल्विया। तो फ्रेंड्स, ये भी आपके बैल्कनी में काफ़ी अच्छे से चल जाएगा, बिल्कुल लो लाइट में काफ़ी खूबसूरती से ये चल जाएगा। आप बिल्कुल अपनी बैल्कनी में इसे जगह दीजिए और ये काफ़ी अच्छा सर्वाइव करता है और कई सारे कलर्स में आता है। तो यहाँ पे भी देखिए मेरे कुछ साल्विया रखे हुए हैं, रेड और ये देखिए पर्पल, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे कलर्स में आता है और बहुत ही इजीली सर्वाइव कर जाता है लो लाइट में। तो सेकंड जो मैं आपको प्लांट बता रही हूँ वो है हमारा साल्विया। और बिल्कुल इसे अपनी बालकनी में लगाइए, बिल्कुल कम धूप में ये चलने वाला पौधा है। और चलते हैं अब थर्ड प्लांट की ओर। तो थर्ड प्लांट जो हमारा है वो है हॉलीहॉक का। तो ये भी बहुत ही इसे भी आप बिल्कुल अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। और इंडोर तो नहीं कहूँगी, इंडोर ये नहीं चलेगा, पर हाँ कम धूप में ये बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। अगर इसे हल्की फुल्की सी भी ब्राइट लाइट मिलती है तो ये काफ़ी अच्छा सर्वाइव करता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। बिल्कुल काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं, आप देख पा रहे हो मेरा प्लांट ये काफ़ी लेंथी हो गया है और फुल ऑफ बर्ड्स है और कई सारे इसमें फ्लावर्स खिलने वाले हैं। तो थर्ड जो मैं आपको प्लांट बता रही हूँ वो है हमारा हॉलीहॉक का। और फोर्थ प्लांट के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा नेस्टोरियम। देखिए, इतनी बारिश हो रही है, धूप का कोई भी नामो निशान नहीं है और लगातार बारिश बनी हुई है हमारे एरिया में। तो इस समय भी देखिए इस पर कितनी सारी बूंदें पड़ी हुई हैं। अभी बारिश कुछ देर पहले रुकी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर लिया जाए। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और देखिए फ्लावरिंग कर रहा है, लो लाइट में भी ये चल जाता है। बालकनी में आप इस आपको लगाना है, हैंगिंग बास्केट में ऐसे आप लगाइए, बहुत ही आराम से सर्वाइव कर जाता है। तो फोर्थ प्लांट हमारा है नेस्टोरियम का। और फिफ्थ प्लांट के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा, ये देखिए जिसे कहते हैं ब्लीडिंग हार्ट। तो ये हमारा रेड कलर वाला है, पिंक कलर में, एक्चुअली ये पिंक ब्लीडिंग हार्ट है, एक वाइट में भी आता है और बहुत ही खूबसूरत ये हमारा वाइन है। और ये भी बिल्कुल लो लाइट में आराम से चल जाता है और इसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लीडिंग हार्ट वाइन, ये भी बिल्कुल लो लाइट में आराम से चल जाता है और काफ़ी ब्लूमिंग देता है। लगातार आपको पूरे ईयर ही ये ब्लूमिंग देता रहता है, पेरेनियल प्लांट है ये। तो
फिफ्थ नंबर पे मैं आपको ब्लीडिंग हार्ट वाइन कहूँगी। और जो मेरा वाइट वाला ब्लीडिंग हार्ट वाइन है वो अभी थोड़ा छोटा है प्लांट, उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, पर ये जो ये मेरा पिंक वाला ये लगातार ब्लूमिंग कर ही रहा है कई महीनों से। प्लांट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा जरबेरा, ये भी लो लाइट में काफ़ी अच्छे से चल जाता है और बिल्कुल इसे आप अपनी बैल्कनी में जगह दे सकते हैं एज अ लो लाइट प्लांट और ये बिल्कुल कम धूप में आराम से चल जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट प्लांट है जरबेरा, तो बिल्कुल इसमें भी फ्लावर खिलने ही वाला है। और उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी ये है सिनेनेरिया, इसकी फ्लावरिंग वाले प्लांट को भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो मैंने अभी बैल्कनी में रखा हुआ है तो वहाँ पे भी चल के मैं आपसे वो शेयर करूँगी। और ये नेक्स्ट हमारा प्लांट सिनेनेरिया है और यहाँ पे मैंने दो टमाटर अभी अभी अपने प्लांट से हार्वेस्ट करके रखे हैं। तो चलिए अब मैं अपनी बैल्कनी में चलती हूँ और मेरे फ्रंट गार्डन में भी कुछ ऐसे प्लांट्स रखे हुए हैं जो बिल्कुल कम धूप में आराम से चल जाते हैं, तो उनके पास चल। जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स वो है हमारा बिगोनिया, ये भी बिल्कुल लो लाइट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो इसे भी आप बिल्कुल अपनी बैल्कनी में इनडोर रख सकते हैं, ये कम धूप में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और काफ़ी सारे कलर्स में भी आता है, डबल पेटल सिंगल पेटल कई सारे फॉर्म में आता है, तो बिल्कुल इसे भी आप अपने गार्डन में इंक्लूड करिए। और नेक्स्ट प्लांट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा अजेलिया का, तो ये भी कम धूप में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है, इसे भी बिल्कुल हल्की फुल्की सी ब्राइट लाइट चाहिए, तो इसे भी आप बिल्कुल अपनी बैल्कनी में जगह दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिनेनेरिया के बारे में मैंने आपको बताया, तो देखिए ये मैंने अपनी बैल्कनी में रखा हुआ है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, ये यहाँ पे बिल्कुल बंचेस ऑफ फ्लावर हैं इसमें और कई सारे कलर्स में है मेरे पास ये, और बिल्कुल इसमें भी फ्लावरिंग होने वाली है हमारे ये पर्पल वाले में भी और एक मेरे पास वाइट कलर में भी है ये देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर प्लांट है, कई सारे कलर्स में आता है और बिल्कुल आप इसे अपनी बैल्कनी में जहाँ पे कम धूप आती है इसे रख सकते हैं। और जो मैं लास्ट प्लांट आपको बता रही हूँ वो है हमारा इम्पेशंस का, और ये बिल्कुल लो लाइट प्लांट है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, साथ में इसको वाटर भी बहुत ही कम चाहिए क्योंकि ये अपनी स्टेम में जो है वो वाटर होल्ड करके रखता है, तो बिल्कुल जब भी मैं बरसात होता है इसको थोड़ा इंडोर कर देती हूँ और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, काफ़ी सारे फ्लावर्स इसमें आते हैं और इस समय भी इसमें कई सारे बर्ड्स बने हुए हैं, तो कुछ दिन में ही इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होगी, तो मैं बिल्कुल इससे इसकी फ्लावर्स को आपसे इंस्टाग्राम पे और कम्युनिटी टैब पे शेयर करूँगी। तो ये सारे कुछ लो लाइट प्लांट्स हैं फ्रेंड्स जो बिल्कुल आपके बैल्कनी में इनडोर आराम से चल जाते हैं, कम धूप वाले प्लांट्स जो आप बिल्कुल अपने विंडो के पास रख सकते हैं जहाँ पे सिर्फ ब्राइट लाइट आती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो और वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा और अपनी पिटूनिया की खूबसूरत फ्लावरिंग के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ और फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।